हेलो दोस्तों, बेहद बुरी खबर निकल के आ रही है हमारे बॉलीवुड की तरफ से कि पूनम पांडे जो मॉडल एक्ट्रेस थी उनका निधन हो गया है। 2 फरवरी को पूनम पांडे को आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर उनका निधन की जानकारी दी गई। पोस्ट में बताया गया कि गुरुवार को रात पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर के कारण निधन हो गया। हालांकि लोगों के लिए उनकी मौत की खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अचानक कैंसर से निधन के बाद पर बात पच नहीं रही थी। पूनम पांडे के निधन हर खबर हर किसी के लिए एक झटके की तरह है। खुद को फिट रखने के लिए एक्ट्रेस डाइटिंग से लेकर जिम में पसीना बहाने तक सब कुछ करती थी। ऐसे में महज 32 साल की उम्र में वो भी कैंसर से अचानक उनके निधन की बात पर यकीन करना मुश्किल है। 2 फरवरी को पूनम पांडे का आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से उनके निधन की जानकारी दी गई। उनकी मैनेजर और छोटी बहन ने सोशल मीडिया के साइट के थ्रू जानकारी दी कि पूनम पांडे का डेथ हो गया। गुरुवार को पूनम पांडे का सर्वाइकल कैंसर के कारण रात में ही निधन बताया जा रहा था। पूनम पांडे की खबर कुछ पेपराइज भी थी, इंस्टाग्राम पर शेयर की गई थी। वरिंदर चावला ने न्यूज कंफर्म करते हुए कहा कि पूनम पांडे के मैनेजर उनके निधन की खबर की पुष्टि कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, कैसे पूनम पांडे का मॉडल एक्ट्रेस जिनका निधन, अब आपके मन में होगा कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो मैं बताता हूँ इसकी पहचान कैसे की जाती है और क्या होता है। भारत के महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज दोनों हो सकता है, लेकिन इसके प्रति महिलाओं को जागरूकता कम होने वजह से डॉक्टर का सही इलाज सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है और इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। आंकड़े बताते हैं 2019 में भारत में 45,000 से अधिक महिलाओं का मौत सर्वाइकल कैंसर से हुई थी। अब सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? किसी भी कैंसर में आपके शरीर की कोशिकाएं असमान और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस अंग का नाम से जाना जाता है जहां कैंसर शुरू होता है। इसलिए जब भी कैंसर आपके गर्भाशय या ग्रीवा से शुरू होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर के बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय यूट्रस के सबसे नीचे के भाग का घातक ट्यूमर है जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है और ऊपरी वेजाइना तक जुड़ता है, जिसे गर्भाशय ग्रे कहते हैं। ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमनो पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV के संक्रमण के कारण होता है। अब आपके मन में होगा कि HPV होता क्या है? HPV का मान सबसे पहले नाम पूरा होता है ह्यूमोना पेपिलोमा वायरस। ये एक समूह है जिसके 100 से ज़्यादा प्रकार हैं और लगभग 30 प्रकार के लैंगिक क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इनमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले हैं जिन्हें हाई रिस्क HPV के श्रेणी में रखा गया है। इस वायरस को 2 प्रकार 70% सर्वाइकल कैंसर और सर्वाइकल घावों के कारण बनता है। इस वायरस को लिंग गुर्दा योनि और ओरिफेरिंक्स के कैंसर से सबूत भी प्राप्त हैं। अब सर्वाइकल कैंसर होता क्यों, किस कारण होता है? सर्वाइकल कैंसर के निम्नलिखित कारण हैं, बहुत सारे। ये एक योनि संचारित वायरस है जिसके 100 से ज़्यादा प्रकार के लगभग 14 प्रकार के सर्वाइकल कैंसर से होता है। HPV से संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से फैलता है।